स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिवारी प्रशांत। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम शब्द के भेद कहते हैं। तो हमने नाउन बहुत बार सुना है, नाउन प्रोनाउन ये सब होता क्या, तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन एंड 8 वन इंटरजेक्शन। तो हम फर्स्ट देखते हैं नाउन। तो नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम देखेंगे कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स और एनिमल। यानी कि नाउन किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है। यानी कि हम आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसको हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं, इसलिए हम उसे नाउन कहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं पर्सन में कोई मैन हो गया, वुमेन, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, किसी का नाम है राम, श्याम, ना रीता, सीता, कोई पर्सन है। प्लेस है कोई, ये ताजमहल हो गया ना, इसमें दिया हुआ है, और भी ऑफिस, टाउन, कोर्टयार्ड ना। उसके बाद है थिंग्स हो गया, कार, पेन, टेबल, आसपास की बुक्स। एनिमल्स हो गया, डोंकी, मंकी, कैट। एग्जांपल देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। तो राम जो नाम है, किसी पर्सन का नाम है, इसलिए उसको भी नाउन बोलेंगे, और बॉय, बॉय भी एक नाउन है। वैसे सेकंड है ताजमहल इज ब्यूटीफुल प्लेस। तो ताजमहल किसी प्लेस का नाम है, इसलिए वो भी एक नाउन है। ऐसे ही टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो टाइगर भी क्या है, एक नाउन है। इस प्रकार से हमको नाउन समझ आ गया। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि अभी तक हम जो भी समझे कि भाई नाउन किसी भी प्लेस का नाम होता है, किसी पर्सन, बट हम जब बार बार हम उसको यूज करेंगे तो उसके जगह पे हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, हम वही चीज़ बार बार नहीं बोलते हैं, तो हम उस चीज़ को बोलेंगे प्रोनाउन। देखते हैं प्रोनाउन वर्ड, आई, मी, ही, सी, हरसेल्फ, यू, इट, दे, इच, फ्यू, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आई एम 16, यानी कि मैं 16 साल का हूँ। तो आई यूज हुआ है, जो कि एक नाउन के प्लेस पर यूज हुआ है। वैसे है यू सिम लोस, आप हारे हुए लगते हो। तो यू किसी पर्सन, कोई व्यक्ति होगा, उसके जगह पे यूज हुआ है। वैसे ही जिम इज एंग्री एंड ही वांट्स सैली टू अपोलाइज। पहले जिम उसका नाम बताया गया है, उसके बाद ही उसके प्लेस पर यूज किया है। तो जो ही है वो प्रोनाउन है, जिम क्या है, नाम है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो प्रोनाउन वर्ड है वो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। थर्ड है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज द वर्क डन बाय नाउन। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्क बताया जाए, जो कि नाउन किया हुआ है। यानी कि जो भी एक्शंस किए जाते हैं हमारे द्वारा, या फिर कोई एनिमल्स कर रहे, कोई भी नाउन कर रहा हो, उसी को हम वर्ब कहेंगे। कुछ एक्शन वर्ड्स यहाँ दिए हुए, जैसे एक्सेप्ट हो गया, एक हो गया, एक्नोलेज, बेबल्स बैक, ऐसे बहुत सारे, ईट है, ड्रिंक ना, तो ये सारे क्या है, वर्ब है। वैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम ईट्स मैंगो। तो ईट क्या है, एक वर्ब है। वैसे दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले भी क्या है, एक वर्ब है। थर्ड है आई राइट लेटर। तो राइट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। तो जो भी हो, ड्रिंक है, प्ले है, ईट है, स्लीप, ये सब क्या है, वर्ब है। फोर्थ देखते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी शो करता है किसकी, नाउन या फिर प्रोनाउन की। यानी कि वो कैसा है ना, कलर बताएगा, या फिर उसकी कुछ कोई ना तो कोई क्वालिटी बताएगा, या फिर डिस्क्राइब करेगा उसको। जैसे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, एनोइंग, एनेक्सियस, अरोगेंट, असेम्ड, ये सब ना। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। यानी कि राम जो एक नाउन है वो अच्छा है, बॉय, गुड बॉय, यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहा है भाई वो अच्छा है। ऐसी है ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ताजमहल जो एक नाउन है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। वैसे फिफ्थ है फ्लावर्स गिव्स स्वीट फ्रेग्रेंस। जो फ्लावर्स होते हैं वो अच्छा मीठा सुगंध देते हैं, तो वो फ्लावर्स की भी क्वालिटी, तो फ्लावर्स भी एक क्या है, नाउन है। फिफ्थ देखते हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट शोज और डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब्स। यानी कि वो क्या करता है, जो वर्ब हुआ है नाउन के द्वारा उसकी क्वालिटी बताता है भाई जो वर्ब किया गया है वो कैसा किया गया है। जैसे कि कुछ यहाँ पर एडवर्ब दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लाइंडली, ब्लिसफुली, बोस्टफुली, बोल्डली, ब्रेवली, ब्रीफली, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राम इज रनिंग फास्टली।
राम दौड़ तो रहा है, पर कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, फास्टली। वो क्या बता रहा है, वर्क की क्वालिटी बता रहा है। वैसे ये शीला इज राइटिंग नीटली, शीला लिख तो रही बट बहुत साफ सुथरा लिख रही है, बहुत अच्छे से लिख रही है। द ओल्ड मैन वर्किंग परफेक्टली, तो जो बूढ़ा आदमी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो काम कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ब एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। भाई जो भी वर्ब हुआ है, जो भी एक वर्ब नाउन ने किया है, वो वर्ब कैसा किया गया है, फास्टली किया है या बहुत अच्छे से किया है, जैसा भी किया हो ना, उसकी क्वालिटी वो बताता है, किसकी, वर्ब की। इसके पहले हमने एडजेक्टिव देखा था, तो एडजेक्टिव में हमको नाउन की क्वालिटी बता रहा था, और एडवर्ब में हमको किसकी क्वालिटी बता रहा है, जो भी नाउन वर्क कर रहा है वर्क की क्वालिटी हमको यहाँ पर बता रहा है। तो हम लोग इस प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ चुके हैं। ओके, आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ तक समझ आया होगा। हम और भी आगे बढ़ेंगे, पर से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट दिखता है अभी भी, तो आप उसको ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, जिससे क्या होगा, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे आपके, और आगे और भी मज़ा आएगा। 6-1 देखते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंध सूचक शब्द। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर नाउन। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है वो दो या दो से अधिक नाउन के बीच का रिलेशन, रिलेशन मतलब ये नहीं कि पापा है, मम्मी है, भैया, ये वाला रिलेशन नहीं, कि भाई दो नाउन है या उससे ज़्यादा, वो उसके रेफरेंस में कहाँ पर है, इन, ऑन, एबो, बिलो, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेट ऑन द चेयर, यानी कि वो कुर्सी पर बैठा, तो ऊपर बैठा इसलिए ऑन लगा है ना, तो क्या कोई नाउन है, वो चेयर पे रेफरेंस में कहाँ पर बैठा, तो ऑन, ऊपर बैठा हुआ है। वैसे ये देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, तो जो दूध है कुछ वो फ्रिज के अंदर है, इन इन लिखा है यानी कि अंदर है, तो पोजिशन बता रहा है भाई जो मिल्क है और फ्रिज के रेफरेंस में कहाँ पर है, तो इन है। वैसे थर्ड, सी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे छुप रही है, अंडर। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। 7th देखते हैं, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का हिंदी होता है संयोजक शब्द। तो जो संयोजक शब्द है वो क्या है, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, यानी कि कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि राम इज अ बॉय, राम ऑलवेज गोइंग स्कूल, तो मैं इसको शॉर्टकट में बोलूंगा, राम इज अ गुड बॉय एंड इज ऑलवेज गोइंग टू स्कूल, तो एंड लगा दिया, यानी कि दोनों सेंटेंसेस को मैंने जोड़ दिया। तो इस प्रकार के जो कंजंक्शन वर्ड्स है, जैसे कि बट, एंड, एट, और, बिकॉज, नॉर, ऑल्दो, सिंस, ये सब क्या है, कंजंक्शन वर्ड है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक, तो एंड लगा दिया, वो बुक और शर्ट को कंबाइन कर दिया। वैसे ये, यू कैन राइट योर पेपर विथ अ पेन और अ पेंसिल, आप अपने पेपर को पेन या पेंसिल से, यानी कि दोनों को जोड़ने के लिए और का यूज किया, ओ आर, ओके। वैसे थर्ड है, आई सेंट हिम अ लेटर बट ही डिडंट रेस्पॉन्ड, तो बट क्या है, उन दोनों को ऐड कर रहा है। इस प्रकार के जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस या फिर वर्ड्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, 8th, विस्मय आदि भेदक शब्द। यानी कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच डिमोन्स्ट्रेट द इमोशंस और अ फीलिंग्स ऑफ द ऑथर और अ नाउन। यानी कि जो नाउन होता है वो किसी भी चीज, वो अगर वो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट होती है, उसके अंदर से कोई अचानक सेंटेंस जनरेट होता हो, तो उस समय जो वर्ड क्रिएट होता है उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ को अचानक देखते हैं, वाह, आवाज निकलता है अंदर से, कितना अच्छा है, कितना शानदार है ना, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हुर्रा, वाव, ओह, आउच ना, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देख, आह, दैट फील्स वंडरफुल, अलास, आई लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस ना। थर्ड है, वाह, दैट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, ये जो चीज़ है वो पूरा टाइम बर्बाद करता है। तो हम किसी भी चीज़ को देख करके हम कोई वर्ड बोलते हैं, उसके बाद सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में भी अपने यूज करते हैं, अरे यार, इसको क्या समझाऊँ, तो जो अरे यार हम बोल रहे हैं, तो ये सब क्या, ये सब जो वर्ड्स हम लोग निकालते हैं मुँह से, तो वो सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा।
तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट्स लिखना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वो भी लिखना है। अगर आपको वीडियो में कुछ खराबी लगती है तो उसको ज़रूर हमें बताइए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।